अयोध्या में सरयू के किनारे राम की बड़ी मूर्ति लगाएगी योगी सरकार। क्या श्री राम की ऊंची मूर्ति से बढ़ेगा योगी आदित्यनाथ का कद? अयोध्या में राम मंदिर बनाने में बीजेपी भले ही अब तक सफल नहीं हुई हो, ये मुद्दा भले ही सुप्रीम कोर्ट में अटका हो, लेकिन यूपी की योगी सरकार अयोध्या में विवादित स्थल से थोड़ी ही दूर सरयू नदी के किनारे भगवान श्री राम की भव्य और ऊंची प्रतिमा लगाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने सरयू नदी के तट के किनारे भगवान श्री राम की 100 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाने की योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि राम की ये मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति होगी। सरयू तट पर लगने वाली राम की ये प्रतिमा सरकार की 90 अयोध्या योजना का हिस्सा होगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने बकायदा एक प्रस्ताव बनाकर राज्यपाल राम नाईक को भेज दिया है। हालांकि इसके लिए योगी सरकार को एनजीटी से भी इजाजत लेनी होगी। सरयू तट पर राम की मूर्ति लगाने के अलावा राम कथा गैलरी का निर्माण, सरयू तट का विकास, गुप्तार घाट का विकास जहां राम ने जल समाधि ली थी उसका भी कायाकल्प होगा। योगी सरकार ने करीब 195 करोड़ रुपए की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को भेज दी है, जिनमें से राज्य सरकार को करीब 133 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यही नहीं, इस बार दिवाली के मौके पर अयोध्या को उसी तरह सजाया जाएगा जिस तरह त्रेता युग में भगवान श्री राम के लंका पर जीत हासिल कर लौटने पर सजाई गई थी। इस दिन खुद सीएम योगी भगवान श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या में मौजूद रहेंगे। इस दिन भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी की थीम पर एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। इसके अलावा छोटी दिवाली पर होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में राम की पौड़ी पर करीब 1,71,000 दीप भी जलाए जाएंगे। अयोध्या को चमकाने की योगी सरकार की योजना से एक बात तो साफ है कि यूपी की योगी सरकार के एजेंडे में राम नगरी सबसे ऊपर है। शायद यही वजह है कि सीएम बनने के बाद योगी 3 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।